झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव बीबीपुर निवासी रूपेंद्र तोमर 2004 में मिलिट्री में भर्ती हुआ था, जो आजकल शीनगर इलाके में ड्यूटी कर रहा था। शुक्रवार को शीनगर की पहाड़ियों ड्यूटी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। शुक्रवार को जब यह सूचना परिजनों को गांव में मिली तो घर में तभी से कोहराम मचा हुआ है। रूपेंद्र के शहीद होने से पूरे इलाके में दुख की लहर है। रूपेंद्र की शहादत की खबर सुनकर इलाके को ही नहीं, प्रशासन को भी दुख हुआ है। यह सूचना सुनकर जिले के प्रभारी एवं लोक जनशक्ति मंत्री दिनेश खटीक, पूरे प्रशासनिक अमले और जिले के विधायकों के साथ बीबीपुर जलालाबाद गांव में शहीद के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। इस मौके पर ग्राम प्रधान ने करनाल हाईवे से गांव तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क को शहीद के नाम पर बनवाने की मांग की, जिस पर प्रभारी मंत्री ने सड़क बनवाने के साथ साथ गेट बनवाने का भी आश्वासन दिया और मौके पर मौजूद जिला अधिकारी रविन्द्र कुमार को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इस मौके पर शामली जिलाधिकारी रविंद्र सिंह, अपर जिला अधिकारी संतोष कुमार, पुलिस अधीक्षक रामसेवक गौतम, शामली सदर रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी, थाना भवन विधायक अशरफ अली खान, भाजपा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल, पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र तोमर, ऊन ब्लॉक प्रमुख चौधरी रामपाल सिंह, भाजपा नेता अनिल चौहान, थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह आदि अधिकारीगण और नेतागणों ने शहीद के घर पहुंचकर सांत्वना दी और कल से ही सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है। बताया गया कि शहीद फौजी रूपेंद्र तोमर का शव कल रविवार को करीब 8 बजे गांव में पहुंच जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपके भाई के बारे में पता चला है कि वे फौजी थे, शहीद हो गए। क्या नाम भाई का था? रूपेंद्र तोमर। रूपेंद्र कहाँ पोस्ट हुई? श्रीनगर। श्रीनगर में कितने दिनों से पोस्ट हुई? सर 1.5 साल हो गया। तो ये कब की घटना है? ये कल दोपहर 1:15 बजे, कल 19 जुलाई में 1:15 बजे। हाँ जी। तो ये कैसे बताया गया अधिकारियों द्वारा, कैसे हुआ? उन्होंने ये बताया कि भाई वहाँ ठीक था, बस फिर वो बोल लिया कि ना मैं घूमने के लिए थोड़े से ऊपर जाऊँ। पलटन जा रही थी ऊपर, वो अपने हथियार के साथ में ऊपर 100 मीटर चलने के बाद में उसके सांस में दिक्कत बनी। अच्छा। तो उसने दो तीन लड़के होते उसके साथ में, उन्होंने नीचे पोस्ट पर फोन किया, कहना सर पानी टेबलेट भिजवा दो, ऐसे ऐसे सांस में प्रॉब्लम हो रही। तो उन्होंने जब तुरंत ही भिजवा दी गोली ले गए, वो बोला मैं ठीक हूँ। उसके बाद में फिर 10 मिनट बाद वो बोले कि चल, 2-3 मिनट बाद ही कहना चल के देख कैसा है, कैसा लग रहा। वो 10 कदम चलने के बाद में बोला मुझे सांस नहीं आ रहा। उस कदम में उस समय ड्यूटी पे चल रहे थे? ड्यूटी पे चल रहे थे उस टाइम। कितनी उम्र थी? उम्र 40 साल। 40 साल लगभग, जो नौकरी हो चुकी है 20 साल नौकरी के। 20 साल की नौकरी। हाँ जी। कितने बच्चे हैं उनके पास? उनके 2 लड़के हैं जी, हिमांशु तोमर, देव तोमर। कितने उम्र? हिमांशु की 13 साल। अच्छा। और दूसरा बच्चा? वो 10 साल का है, देव तोमर लड़का। हाँ जी। दोनों लड़के हैं। और पिताजी? पिताजी एक्सपायर हो गए थे, 6 साल हो गए। हाँ जी। डेड बॉडी का कब तक आने से? वे कल सुबह 6 बजे बोल रहे जी। कल सुबह 6 बजे के बता रहे? हाँ जी। आप कितने भाई हो? हम 3 भाई थे जी। तो हाँ जी, हम चैनल के माध्यम से आपको सांत्वना देना चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा से जो भी कुछ हुआ है, बाकी आपको शांत रखें, धैर्य रखें। और हम चलिए।